नमस्कार, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और अभी फाइनली हम हैं गोंडा में गुरु नानक चौक पर। इधर पीछे आप देख सकते हो सामने गुरु नानक चौक पड़ता है। और आज हमने दो वीडियो बनाए हैं। वीडियो का नाम हमने एपिसोड 1 रखा है और दूसरे वीडियो का नाम एपिसोड 2 कर देंगे। तो पहले वीडियो को भी देखना और उसके बाद में पहले वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को भी देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा पूरा सीन कि क्या मतलब क्या कैसे क्या हुआ। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा सीन दिखाते हैं इस वीडियो में। तो फाइनली आप देख सकते हो कि ये गुरु नानक चौक है और गुरु नानक चौक से ये सीधे रास्ता स्टेशन को जाती है, बाकी इधर चिकित्सालय को। और इधर साइड में आप जाओगे तो लखनऊ, बाकी ये है बहराइच रोड। तो चलते हैं, सबसे पहले बस अड्डा आपको दिखा देते हैं यहाँ का कि किस तरह से बना हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए आप, ये है गोंडा का बस स्टॉप जो कि सरकारी बस स्टॉप इस तरह से बना हुआ है। यहाँ से सरकारी बस जाती है, मतलब यहाँ से सफ़र आप कर सकते हो, बलरामपुर जा सकते हो, तुलसीपुर जा सकते हो, लखनऊ जा सकते हो, दिल्ली जा सकते हो, मतलब यहाँ से आप कहीं का भी सफ़र कर सकते हो। और ये देख सकते हो यहाँ का सीन कुछ इस तरह से है। अभी बाहर का सीन भी दिखाएंगे। और फैजाबाद अयोध्या मतलब कहीं भी जाना हो तो आप यहाँ से बिल्कुल बिंदास जा सकते हो, हमेशा यहाँ से आपको बसें मिलेंगी। ये गोंडा का सरकारी बस स्टॉप है। बाकी बाहर का सीन आपको दिखाते हैं कि बाहर में मतलब किस तरह से सीन यहाँ पर है। कि बस स्टॉप से बाहर निकलने के बाद में सीन कुछ इस तरह से दिखेगा। बाहर के बहुत से बसें आपको मिल जाएंगी और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको बी बाजार मिलेगा जो कि आप देख सकते हो काफ़ी मस्त सीन इधर का होगा। और ये देखो बाहर बसें आपको मिल जाएंगी। बाकी अगर छोटी गाड़ी आप लेना चाहते हो, टुक टुक वगैरह, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हो कितनी खड़ी हुई है इधर साइड में, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। फिर देखो बाहर थोड़ा सा और आगे निकलने के बाद में इधर साइड में आपको पुलिस चौकी रोडवेज का बोर्ड दिखेगा, ये देख सकते हो बना हुआ इधर साइड में। बाकी इधर सीन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और इधर साइड में डीलक्स सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ गोंडा में बना हुआ है, ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी इधर दुकानें मिल जाएंगी आपको जो कि देखने में ये देख सकते हो। बाकी अभी आप देख सकते हो कि अब हम उस वाले रास्ते से दूसरे तरफ वाले रास्ते पर आ चुके हैं। ये देख सकते हो इधर का सीन कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, इधर साइड में बेडिस्ट चर्च बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्रिश्चियन जो होते हैं उनका, इधर साइड में ये देख सकते हो। बाकी इधर साइड में आप देख सकते हो पतंजलि चिकित्सालय इधर साइड में बना हुआ है, काफ़ी मस्त बना हुआ है। बाकी इधर का सीन भी काफ़ी मस्त देखने में लग रहा है। इधर ICICI बैंक मिलेगा जो कि इस तरह से है। और ये रोड जो है ये गोंडा से लखनऊ को जाती है, ये सीधे लखनऊ आप यहां से ट्रेवल कर सकते हो। बाकी इधर बहुत से टेम्पो वेम्पो खड़े हुए हैं जो कि देख सकते हो आप। बाकी गोंडा में हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं, बस जो सीन मिलता जा रहा है आपको हम अच्छे अच्छे सीन दिखाते जा रहे हैं बस इसी तरह से। बाकी इधर का सीन अभी आप देखो, इधर भी बहुत ही मस्त दिख रहा है। और अभी हम मतलब लखनऊ वाले रोड पर चलते ही जा रहे हैं। तो चलिए फिर और थोड़ा सा भी आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा चौराहा मिलता है, क्या मिलता है, मतलब जो भी मिलता है आपको हम दिखाएंगे। बाकी ये देखिए सीन, अभी हम आ गए हैं अंबेडकर चौराहे पर। ये देख सकते हो ये है अंबेडकर चौराहा गोंडा का। और इधर उधर साइड में कार्यालय जिलाधिकारी गोंडा इधर साइड में ये देख सकते हो बना हुआ है। बाकी इधर साइड से आप अगर जाना चाहो निरीक्षक भवन 1 किलोमीटर इधर साइड से पड़ेगा, कचहरी रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर, कटरा बाजार 21 किलोमीटर। ये देख सकते हो ये रोड इधर साइड से गया हुआ है। और बाकी यहाँ का सीन देखो बहुत ही मस्त दिखते हैं। बाकी सीन दिखा दिया, अब इधर से हम रिटर्न मारते हैं। इधर साइड में एक मंदिर पड़ता है जो कि छोटा सा मंदिर अभी बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। इधर से हम रिटर्न मारते हैं, चलते हैं वही साइड पर जहाँ से हमने वीडियो की स्टार्टिंग की थी, बस स्टॉप के तरफ चलते हैं। और बस स्टॉप के तरफ से ही हमारा रोड जाता है उधर ही साइड में, वीडियो वोडो को इन करके निकल लेंगे घर के लिए। तो चलते हैं इधर से। वापस चलने से पहले अभी थोड़ा सा सीन घर का दिखा दूँ, उसके बाद में वापस चलते हैं। ये देखो बहुत ही मस्त लग रहा है सीन घर का, लोग आ जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा चौराहा है। बाकी उधर साइड में लिखा हुआ है स्वच्छ गोंडा सुंदर गोंडा, उधर साइड में चलते हैं अभी दिखाते हैं सीन। देखिए कार्यालय जिलाधिकारी गोंडा, इधर साइड में गेट है, मेन गेट इधर साइड में। बाकी इधर का सीन अभी आपको हम दिखाते हैं। ये वाला सीन बहुत ही सुंदर लग रहा है, स्वच्छ गोंडा सुंदर गोंडा, आई लव गोंडा, ये सीन आप देख सकते हो क्या मस्त सीन दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये सीन देखने में। बाकी इधर का सीन भी बहुत ही अच्छा लगता है जो कि आप देख सकते हो, ये देख लो बड़े बड़े खंभे। बाकी इधर साइड में भाई लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, हम भी थोड़ा सा तो सेल्फी ले लें संभल के लिए, उसके बाद में चलते हैं। ये देखो
से लोग है, मतलब फ़ोटो खिंचाते रहते हैं, अक्सर लोग आते रहते हैं, तो दो लोग खींच रहे थे, हमने भी कहा कि भाई हमारा भी एक फ़ोटो खींच दो, तो हमने भी वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा लिए हैं। और अब यहाँ से रिटर्न चलते हैं उधर साइड में बस स्टैंड की तरफ। ये देखिए सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सिंचाई कॉलोनी गोंडा इधर साइड में है, आप देख सकते हो इधर साइड में कुछ इस तरह से बना हुआ है पूरा का पूरा, ये देखो। और ये देखिए सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज, ये देखिए इधर साइड में बना हुआ है कुछ इस तरह से है इसका मेन गेट, और इधर का सीन देखो कुछ इस तरह से है। बाकी अभी हम फिर उसी साइड में आ चुके हैं जहाँ से हमने वीडियो की स्टार्टिंग की थी, इधर साइड में बस अड्डा था और इधर का सीन मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद में इधर से चलते हैं बहराइच रोड पर और सीन दिखाते हुए अपने घर। और ये देखिए ममता टावर इधर साइड में, क्या मस्त बिल्डिंग बनी है भाई, मज़ा आ गया देखकर। फिर भाई देखिए इधर साइड में ब्लूसम एकेडमी स्कूल इधर साइड में पड़ता है, ये देखो क्या मस्त स्कूल बना हुआ है, बहुत ही अच्छा अच्छा सीन यहाँ पर देखने को मिला, दिल खुश हो गया। सच कहूँ भाई तो गोंडा में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे सीन देखने को मिले, बिल्कुल से सच कह रहा हूँ भाई, मन खुश हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका भी दिल खुश हो गया होगा। कि आज का मौसम थोड़ा सा गड़बड़ था, बदरी वाला मौसम था, नहीं तो और मज़ा आ जाता। क्या होता है कि जब धूप निकलता है तो सीन बहुत ही खुला दिखता है, तो थोड़ा और अच्छा लगता है। ये देखिए क्रॉसिंग गिरा हुआ है, उधर से आए थे तब भी गिरा था, इधर से वापस जा रहे हैं फिर भी देख सकते हो पूरा जाम लगा हुआ है। ट्रेन आ रही है, ये देखो ट्रेन जा रही है, धीरे 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 धीरे। उधर से आए थे मालगाड़ी जा रही थी, इधर से जा रहे हैं तो ट्रेन जा रही है, ये देखो। और ये है बहराइच रोड, और ये देखिए इधर पड़ता है ग्रीन सिटी गोंडा, ये देखिए ये मेन गेट है इधर साइड का। बाकी ये सीन देखो, बाकी अभी हमने गोंडा से बाहर निकलकर बहराइच वाला हाईवे रोड पकड़ लिया है, ये अभी आप देख सकते हो इधर साइड में गोंडा और इधर साइड में बहराइच पड़ेगा, ये रोड गोंडा से बहराइच जाने वाला रोड है। और अब हम चलते हैं घर और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी सीन गोंडा में बहुत ही अच्छे अच्छे सीन थे, बहुत ही मस्त सीन था। और भाई हम अगर सच कहें तो गोंडा में आके वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगा, गोंडा का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मस्त मस्त सीन थे यार के, जिसका मतलब बयान नहीं कर सकते आपको। तो आप लोगों को सीन कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर। बाकी गोंडा के बारे में मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था, इसलिए मतलब जो भी सीन मिलता गया हम आपको दिखाते गए। बाकी और सीन है गोंडा में, बहुत से सीन है गोंडा में, जो नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं। फिर कभी इधर साइड का विजिट करूँगा तो आपको सीन दिखाऊँगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो वीडियो को लाइक करना और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और फिर इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय 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 गोंडा।